नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे फिफ्थ मेटाटास बेस फ्रैक्चर ऑफ द फुट के बारे में ये एपिसोड वन है तो फिफ्थ मेटाटास बेस फ्रैक्चर कॉमन फ्रैक्चर होता है फुट का और प्री डिस्पोज होता है पुअर हीलिंग को क्योंकि लिमिटेड ब्लड सप्लाई होती है स्पेसिफिक एरिया और फिफ्थ मेटाटासल बेस में डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन और प्लेन रेडियोग्राफ या एक्सरे से हो जाता है ट्रीटमेंट होता है प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग इमोबिलाइजेशन विद प्लास्टर या सर्जरी ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर पे डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एथलेटिक लेवल ऑफ पेशेंट इंसिडेंस देखें तो फ्रीक्वेंट इंजरी है एनकाउंटर्ड इन प्राइमरी केयर सेटिंग बेस ऑफ फिफ्थ मेटाडासल फ्रैक्चर 25 परसेंट ऑफ ऑल मेटाडासल फ्रैक्चर होता है 90% परसेंट होते हैं जोन वन में डिमोग्राफिक्स देखें तो एथलीट्स मिलिट्री रिक्रूट्स और मैनुअल लेबर में ज्यादा देखा गया है पैथोफिजियोलॉजी देखें तो प्लांटर फ्लेक्शन और हैंडफुट इन्वर्जन जोन वन फ्रैक्चर्स क्रिएट करता है फोर फुट अडक्शन जोन टू फ्रैक्चर क्रिएट करता है और रेपिटेटिव माइक्रोट्रोमा जोन थ्री फ्रैक्चर्स क्रिएट करता है एसोसिएटेड कंडीशंस होती है कॉन्कोमटेंट मिड फुट इंजरीज जैसे कि लिस्फ्रैंक इंजरी हो गई लैटरल एंकल लिगमेंट इंजरी भी कभी कभी देखी जाती है और केवस फुट और वारस हैंड फुट डिफॉर्मिटीज़ में ज़्यादा देखा गया है तो एनाटॉमी देखें तो ऑस्ट्रोलॉजी में बोन डिवाइड होती है इंटू ट्यूबरसिटी बेस मेटाफिसिस डायफिसिस नेक और हेड बेस और ट्यूबरसिटी प्राइमरीली कैंसलस होती है और हाईली वैस्कुलराइज होती है ट्यूबरसिटी फ्लेयर होता है फ्रॉम बेस ये होता है साइट ऑफ पेरोनियस ब्रेविस और लैटरल बैंड ऑफ प्लांटर फेशिया इंसर्शन ओपन एपोफिसिस या पेरोनियम भी कंफ्यूज हो सकता है फ्रैक्चर से कंपैरिजन रेडियोग्राफ ले सकते हो ऑपोजिट फुट के साथ मेटा डायफिशियल रीजन में टेंडेनस अटैचमेंट नहीं होती और यह वैस्कुलर वाटरशेड एरिया है डायफिस में डोर्सल कर्व होता है डिस्टल वन थर्ड में पेरोनियस टर्शियस इंसर्ट होता है और नेक तो डिस्टल मेटा डायफिशियल रीजन मोर कॉमन साइट है फ्रैक्चर का हेड आर्टिकुलेट करता है के साथ फॉर्म जॉइंट ब्लड सप्लाई तो ये प्रोवाइड होती है मेटाफिशियल वेसल्स और डायफिशियल न्यूट्रिएंट आर्टरी के साथ जोन टू जिसे जोन फ्रैक्चर कहते हैं ये रिप्रेजेंट करता है वैस्कुलर वाटरशेड एरिया फ्रैक्चर्स को नॉन यूनियन की तरफ खींचता है क्योंकि यहाँ वैस्कुलरिटी कम होती है बायोमैकेनिक्स देखे तो फिफ्थ मीटर लैटरल बॉर्डर फॉर्म करता है और फंक्शन करता है एज लीवर इन गेट ड्यूरिंग पुश ऑफ टॉर्क एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन देखे तो जोन वन फ्रैक्चर में जिसे सूडो जोन फ्रैक्चर कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूबरकल एवल होता है ड्यू टू लॉन्ग प्लांटर पेरोनियस लैटर मसल ये एक्सटेंड हो सकता है इसमें जोन टू को जोन फ्रैक्चर कहते हैं ये मेटाफिशियल डायफिशियल जंक्शन पे होता है इन्वॉल्व करता है फोर्थ या फिफ्थ मेटाटार्सलेशन ये वैस्क्यूलर वॉटरशेड एरिया में होता है एक्यूट इंजरी में इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन यूनियन होता है फिफ्टीन टू थर्टी परसेंट जोन थ्री में प्रोक्सीमल डायफिशियल फ्रैक्चर होता है डिस्टल टू फोर्थ फिफ्थ मेटाडासल आर्टिकुलेशन स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है इन एथलीट्स इस एरिया में एसोसिएटेड होता है विद केवो वार्स फूड डिफॉर्मेटी या सेंसरी न्यूरोपैथी इसमें भी इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन यूनियन होता है प्रेजेंटेशन देखें तो हिस्ट्री में एंटीसीडेंट पेन होता है इन सेटिंग्स ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर रैपिड इंक्रीज इन वर्कलोड या चेंज इन ट्रेनिंग रेजिम से पेन होता है ओवर लैटरल बॉर्डर ऑफ फोर फुट स्पेशली वेट डालने से एग्रवेटिंग एलिविएटिंग फैक्टर्स देखें तो वर्स होता है पेन ऑन वेट बेरिंग फिजिकल एग्जाम करें तो इंस्पेक्शन में रेयर स्किन टेंडिंग होती है जोन वन फ्रैक्चर्स में स टू पैल्पेशन होता है अलॉन्ग बोन एट फ्रैक्चर साइड वारासन फुट अलाइनमेंट देखी जाती है ड्यूरिंग देखी जाती है अगर फुट को नीचे से देखे तो मोशन में इवेल्युएट करना चाहिए लैटरल लिगामेंटस इनस्टेबिलिटी के लिए और देखना चाहिए वारा साइन फुट करेक्टेबल है या नहीं प्रोवोकेटिव टेस्ट में पेन होता है विद रेजिस्टेड फुट इवर्जन ये इंडिकेट करता है पेरोनियल टेंडन वीकनेस तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है अगले एपिसोड में हम इमेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड और चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू